हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ डॉटेड आर्ट। सो इसके लिए हमें चाहिए ऐसे पेपर्स और एक्रिलिक कलर। एक्चुअली हम डॉटेड आर्ट बनाने जा रहे बुक मार्कर के फॉर्म में। सो इसके लिए मैंने कैलेंडर का जो हमारा पेपर होता है वो लिया था, और ऐसे मेरे पास कुछ प्राइस टैग थे जिसको मैंने संभाल के रखे थे वो रख लिया है, और ब्लैक कलर का बेस पेन करके मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया है। अभी क्या करेंगे, मेरे पास डॉटिंग टूल नहीं है, तो इसीलिए मैंने जो पेन ब्रश यूज़ किया था उसके पीछे का हिस्सा को यूज़ करके मैं ऐसे डॉटेड आर्ट बना रही हूँ। आप मैच स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड ऑल्सो आप यूज़ कर सकते हैं टूथपिक वगैरह का। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा आर्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस मैं अभी इसमें डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट डन रेडी, और ये कितना ब्राइट और सुंदर लग रहा है, और इसे हम बाद में टैसल्स लगा देंगे। अभी दूसरा वाला भी हम कर लेते हैं, इसे भी हम सेम प्रोसेस में ऐसे डॉटेड आर्ट बना के बस सिंपल सा पैटर्न बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने मैच स्टिक का जो मैच स्टिक होता है वो यूज़ किया है। सो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास डॉटिंग टूल नहीं होगी तो। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें टैसल ऐड करेंगे। टैसल ऐड करने के लिए मैंने बस यहाँ पे जो पेपर था बुकमार्क हमारा वहाँ पे मैंने एक होल बनाया कैंची के मदद से, और ऐसे टैसल्स ऐड कर दिए। और अभी मैं आपको मेरे पास जितने सारे जो मैंने रिसेंटली बनाए हैं सारे आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ जो बुकमार्क्स है। और आप ये देखिए कितना सिंपल और सस्ता हमारा बुकमार्क बनके रेडी हो चुका है। हमारे घर में कागज़ के टुकड़े वगैरह पड़े रहते हैं, सो हम उसमें से सुंदर सा ऐसे बुकमार्क रेडी कर सकते हैं। होपफुली आपको ये मेरा छोटा सा मिनी डॉटेड आर्ट बुकमार्क का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।